नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल भारत पर। आज मैं आपको एक ऐसी खबर यहाँ पे देने जा रहा हूँ जिस पे भारत काफ़ी गंभीरता से विचार कर रहा है। दरअसल हाल ही में लॉकहीड मार्टिन ने भारत को एक फाइटर जेट का ऑफर दिया है। फाइटर जेट है F-16V70 Block। जी हाँ, F-16 की बात करें तो 1973 में इसे स्टार्ट किया गया था F-16 को। उसके बाद इसका वेरियंट बदलते चले गए, अपग्रेडेशन बदलती चली गई। आज के टाइम पर ये भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट माना जाता है फोर्थ जनरेशन के लिए। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पर रफेल की और इसका F-16V की, तो रफेल 4.5 जनरेशन है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जहां दुनिया में एक तरफ फिफ्थ जनरेशन की बात चल रही है, कई सारी कंट्रीज के पास आ चुका है, इवन कई सारी कंट्रीज ने बॉम्बर तक फिफ्थ जनरेशन के बना लिए हैं, तो क्या हमें फोर्थ जनरेशन पर वापस जाना चाहिए? हमारे पास जो शॉर्टेज है फाइटर जेट्स की, क्या उसे हमें ऐसे फाइटर जेट्स से पूरी करना चाहिए जो हमें यहाँ पे दूसरे का रडार जाते ही पकड़ ले, या फिर ऐसे फाइटर जेट की तरफ हमें दौड़ना चाहिए जिसे दूसरे की रडार ना पकड़ पाए और हमारी फाइटर जेट की यहाँ पे संख्या भी बढ़ जाए, जो हमारी कमी है, शॉर्टेज है, वो पूरी हो जाए? ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ इसके F-16 के बारे में। F-16V जो है ये लेटेस्ट वर्जन है F-16 का। अगर हम बात करें तो 70 और 72 ब्लॉक के लिए भारतीय वायुसेना को इन्होंने ऑफर दिया है। इन्होंने कहा है कि F-16 की अगर हम बात करें तो अमेरिकी सेना भी इसे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती है। लॉकहीड मार्टिन F-16V को भारतीय वायुसेना के विमान टेंडर के लिए प्रमुख दावेदार के रूप में पेश कर रही है। F-16 के ब्लॉक 70 और 72 वेरिएंट लेटेस्ट का लॉकहीड मार्टिन ने टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया है। फाइटर जेट में ऐसी कई टेक्नोलॉजी लगी हुई हैं जो इसे फिफ्थ जनरेशन की फाइटर जेट के बराबर बनाती हैं। फाइटर जेट में AN APG-83 ऐसा रडार लगा हुआ है जो पांचवी पीढ़ी में लगा होता है। इसी के कारण यह अपनी जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, उसे बहुत ही आसानी से और बिल्कुल सटीक तरीके से वार करता है। अमेरिकी विमान वाइपर शील्ड इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लैस है ये जो F-16V है, जो इसे मजबूत सर्वाइकल पैकेज देता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें उम्मीद से ज़्यादा हैं जो फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट में नहीं होती। अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना में जो 100 से अधिक फाइटर जेट खरीदे जाने हैं उनके बारे में, लॉकहीड मार्टिन यहाँ पे इसे लेकर आना चाहती है। लॉकहीड मार्टिन चाहती है कि भारत में इसे बनाया जाए, भारत को दिया जाए और भारत के साथ साथ दुनिया में भी इसे एक्सपोर्ट किया जाए। देखिए, अमेरिकी कंपनी है, सिर्फ अपने बारे में सोचेगी, दूसरी कंट्री के बारे में उसे कोई मतलब नहीं है। अभी अगर हम बात करें तो टोटल 3100 से ज़्यादा F-16S 27 कंट्रीज के अंदर चल रही हैं। 13 मिलियन शॉर्टेज एंड काउंटिंग हो रही है। 19.5 मिलियन फ्लाइट्स से ज़्यादा ये उड़ चुका है। बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के पास में ये है। ऑलरेडी हमारे पड़ोसियों के पास में अगर हम बात करें चाइना और पाकिस्तान की, तो दोनों के पास में आप ये समझ लीजिए चाइना के पास तो आ ही चुका है फिफ्थ जनरेशन, बहुत जल्दी पाकिस्तान के पास भी आने वाला है। तो ऐसे में क्या हमें फोर्थ जनरेशन पे जाना चाहिए? मेरा तो यहाँ पे जवाब है कि फोर्थ जनरेशन पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमारे पास पहले से रफेल है जो इससे कहीं ज़्यादा एडवांस है, 4.5 जनरेशन का वो फाइटर जेट है। अगर हम बात करें थोड़ा सा इससे रफेल की यहाँ पे, तो रफेल का जो इंजन है, रफेल में दो इंजन है M88, और यहीं पे थ्रस्ट की बात करें तो थ्रस्ट जनरेट करता है 34,000 LBS जनरेट करता है थ्रस्ट रफेल, और 29,000 थ्रस्ट जनरेट करता है ये F-16V ब्लॉक 70s। तो यहाँ पे आप देखिए रफेल का इंजन की पावर भी जो है वो भी इससे ज़्यादा है। वेपन की बात करें तो रफेल में 14 फायर पावर लोकेशन पॉइंट्स हैं, वहीं पर F-16V में 9 हैं। तो एक तरफ हम 14 पहले से लगा सकते हैं अपने फाइटर जेट्स में, तो हम 9 वाला क्यों खरीदें? रडार की बात करें तो रडार में अगर हम यहाँ पे बात करें, F-16V ब्लॉक 70 इज इक्विप्ड विद नॉर्थ्रॉप ग्रुमन APG-83 ऐसा रडार। जनरेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रफेल जो है 4.5 जनरेशन का है, और ये अगर हम बात करें F-16 की तो ये फोर्थ जनरेशन का है। रेंज की बात करें तो F-16 की जो रेंज है रफेल से ज़्यादा है। पेलोड की बात करें तो रफेल F-16 से ज़्यादा पेलोड ले सकता है। यहीं पे सेफ्टी की अगर हम बात करें तो दोनों में कई सारी अलग अलग चीज़ें लगी हुई हैं। F-16 की बात करें, F-16 ब्लॉक 70, तो इसमें ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन
अवॉइडेंस सिस्टम, इसे ऑटो GCAS कहा जाता है, वो लगा हुआ है। कई सारे मामलों में ये छोटी छोटी चीज़ों में रफेल से ज़्यादा है, लेकिन अगर बात करें हम अटैक की, बात करें हम पावर की, बात करें हम इंजन की, बात करें हम वेपन्स की, तो रफेल इससे कहीं ज़्यादा बेटर है। अब ऐसे में क्या हमें ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये आप कमेंट्स करके बताइए, बाकी तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन हमारे हिसाब से इसे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। फोर्थ जनरेशन का फाइटर जेट है, अमेरिकी कंपनी सिर्फ अपने फायदे के लिए इसे भारत के ऊपर थोपना चाहती है। खैर, आपका इसके बारे में क्या विचार है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को आप प्लीज लाइक कर सकते हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।